अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं, संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, इनमें से 4 बोगियां पलट तक गईं। हादसे में अब तक 2 यात्रियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, वहीं 20 से 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अफसर मौके पर पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी, हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई ढिहवा में हुआ। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाती है। गुरुवार को ये ट्रेन रात 11:39 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। गुरुवार दोपहर गोंडा और बस्ती के बीच झिलाही स्टेशन के पास गाड़ी पहुंची और ट्रेन डीरेल हो गई। इसके बाद ट्रेन की बोगियां पलट गई। हादसे की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो काफी हैरान कर देने वाली नजर आ रही हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हताहत होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बता दें हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब तक मिली खबरों के अनुसार 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन हादसे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे विभाग की ओर से भी इसको लेकर जानकारी सामने आई है। रेलवे विभाग की ओर से घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। रेलवे विभाग के अनुसार जैसे ही ट्रेन झिलाही स्टेशन के पास पहुंची, अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेन हिलने लगी और उसके बाद ट्रेन पटरी से नीचे उतरने लगी। गाड़ी से बेपटरी होते ही यात्रियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। झिलाही स्टेशन के पास हादसे की सूचना रेलवे विभाग को दी गई। ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतरने के बाद पलट गईं। इस दौरान कई एसी बोगियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना की सूचना तुरंत रेलवे प्रशासन को दी गई। इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। में था आगे जाओगे आपको आगे मिलेगा।